नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं ऋषभ भारद्वाज और स्वागत है आपका आरबीजे लेसन रेवल में। आज हम बात करने वाले हैं मिवी के रोम 2 की। ये ऐसा नहीं मिला था मुझे, बट इसके साथ कुछ ऐसे टेस्टिंग हुई है जो ये इस हालत में पहुंच गया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसके साथ क्या क्या हुआ है, और अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब मैंने इसको अनबॉक्स किया तो इसके जो कंटेंट थे वो थोड़े से डिफरेंट थे। पेपर वर्क थोड़ा डिफरेंटली डिजाइंड है। एक क्राफ्ट्समैन नोट है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो किस लेंथ तक गए हैं इस प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए। दूसरा, उन्होंने एक वेलकम टू द क्रू करके भी एक नोट रखा है जो थोड़ा पर्सनलाइज्ड फील देता है आपको। उसके बाद नॉर्मल वारंटी रजिस्टर करने के लिए एक कार्ड है, और दो केबल्स हैं, एक ऑक्स केबल है और एक चार्जिंग केबल है। As per the craftsman note, they have gone to lengths to design this product. और मैं सच बताऊँ तो डिज़ाइन काफ़ी कंटेम्प्रेरी है, काफ़ी ट्रेंडी भी है और बहुत सिंपलिस्टिक भी है। इट्स वेरी रेयर टू फाइंड ऑल दीज थिंग्स इन वन प्रोडक्ट। तो ये जो आपको स्क्रैचेस दिख रहे हैं वो बिल्ड क्वालिटी टेस्ट की वजह से हैं, जो आपको आगे देखने को मिलेगा। डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छा है। ये जो एल्यूमिनियम की ग्रिल है काफ़ी अच्छी लगती है, और ये जो मोटिव यूज़ किया उन्होंने प्लस का, काफ़ी अच्छा है। चलिए मैं बात करता हूँ बटन फंक्शंस की। तो जो हमारे पास चार बटन है उसमें से पहला पावर ऑन पावर ऑफ का है। पावर ऑन, ब्लूटूथ मोड, हर एक्टिविटी के लिए एक वॉइस नोटिफिकेशन है। ये एलईडी ब्लिंक होती रहती है जब तक आपका ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होता। सिंस मैंने फोन से पहले ही कनेक्ट कर चुका था, ये ऑटोमेटिकली पेयर हो गया है। ये जो बटन है वो प्ले पॉज का है, आप गाना प्ले और पॉज कर सकते हैं। ये माइनस और प्लस के मल्टी फंक्शन बटन हैं। अगर आप एक बार दबाएंगे तो वॉल्यूम के लिए काम करेगा, ज़्यादा देर दबा के रखेंगे तो ये प्रीवियस और नेक्स्ट सॉन्ग भी आपके लिए ले आएगा। आप अपना गूगल असिस्टेंट भी इससे एक्टिवेट कर सकते हैं, कॉल भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, और क्लिक आपको सुनाई देता है जब जब आप इसको प्रेस करते हैं। तो जो टैक्टाइल फीडबैक है वो भी काफ़ी अच्छा है इन बटन्स का। दोस्तों चलिए करते हैं इसका बिल्ड टेस्ट। ये रहा हमारा रोम 2। इतनी देर से हम इसका रिव्यू कर रहे हैं, बारी है बिल्ड टेस्ट की। मैं अपने टेरेस पे हूँ और चलो देखते हैं कि आज इसका बिल्ड टेस्ट कैसे होने वाला है। ये रहा हमारा रोम 2, थर्ड फ्लोर से इसकी टेस्टिंग होने वाली है। मैं इसको फेंक रहा हूँ नीचे, लेट्स सी चलेगा या नहीं चलेगा। लेट्स सी, हमारा में भी रोम 2 कितना परफेक्ट बना हुआ है। तो दोस्तों ये रहा हमारा मिवी रोम 2। मैं इसको कनेक्ट करके देखता हूँ, फिर देखता हूँ चल रहा नहीं चल रहा। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो भाई एक क्रैक जैसा लग रहा था, लेकिन नहीं, वो मैन्युफैक्चरिंग की लाइन है, एकदम परफेक्ट है, कुछ नहीं हुआ। शायद घास की वजह से कुछ नहीं हुआ, बट क्वाइट गुड। दूसरा टेस्ट करते हैं चलो। दोस्तों अभी आपने देखा कि मैंने इसको थर्ड फ्लोर से फेंक दिया था, अब दूसरा टेस्ट मैं करने वाला हूँ पार्किंग में। पार्किंग मतलब कुछ तो और अजीब होने वाला है। यह है मेरी बाइक और ये है हमारा मिवी का रोम 2। लेट्स सी बाइक और रोम 2 के बीच में क्या होता है। मैं कैमरा लगा देता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। भाई पहले राउंड में मेरी बाइक इसके ऊपर चढ़ नहीं पाई और ये स्क्रैच हो गया। देखो ये वहाँ से लेके यहाँ तक घिसटता हुआ है। बॉडी अभी भी इंटैक्ट है भाई सब, ना कोई क्रैक है ना कोई कट है, कुछ टूटा टाटा नहीं है। हाँ मैं ये बता दूँ, अगर ये लोगों को लग रहा हो कि भाई ये क्रैक है, तो ये क्रैक नहीं है, ये अलग अलग पीसेस से जो केसिंग बनी हुई है ये उसका जॉइंट है। ये देखो बाइक के पहले राउंड के बाद अभी भी चालू है, एलईडी ब्लिंक हो रही है, ब्लूटूथ डिवाइस ढूंढ रहा है। चलो सेकंड राउंड की तरफ चलते हैं। राउंड 2, अब की बार मैंने अपनी बाइक निकाल दी, थोड़ा सा और स्क्रैच हो गया, बट भाई साहब बॉडी का
कोई भी पार्ट ना लूज हुआ है, ना क्रैक हुआ है, ना हिला है, एकदम इंटैक्ट है। पूरी बॉडी की जो इंटेग्रिटी है एकदम 100% है भाई साहब। तो दोस्तों ये था मेवी रूम 2 का बिल्ड टेस्ट। थर्ड फ्लोर से गिर के कुछ नहीं हुआ, बाइक के नीचे आके भी कुछ नहीं हुआ, तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। चलिए बाकी बातें करेंगे स्टूडियो के अंदर, लेट्स गो। मैंने सोचा स्टूडियो पहुंचने से पहले इसको थोड़ा धो भी लेता हूँ, क्योंकि स्क्रैच की वजह से थोड़ा डस्ट लग गया है इस पर, और सिंस ये वाटरप्रूफ है तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो मैं तसल्ली से इसको टंकी के नीचे पानी चला के आराम से धो सकता हूँ। अभी भी देखिए एलईडी ब्लिंक हो रही है, फंक्शन कर रहा है, बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी, और ये धुल गया है, स्टूडियो जाने के लिए रेडी है। चलिए अब स्टूडियो चलते हैं। चलिए दोस्तों अब साउंड क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं इसकी। बिल्ड क्वालिटी हमने देखी बहुत ही बढ़िया है, अब फाइनली साउंड क्वालिटी की बात करते हैं। तो साउंड क्वालिटी बताना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि मैं कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप कैसे सुन रहे हो, बट फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। मैंने NCS से गाने प्ले किए हुए हैं यूट्यूब पर, मैं अभी आवाज़ बढ़ा के आपको दिखाता हूँ। मैं धीरे धीरे आवाज़ बढ़ा रहा हूँ, आप थोड़ा सा तो आइडिया आपको लग ही जाएगा। तो ये था मेवी रोम 2। तो जैसा कि क्राफ्ट्समैन नोट में लिखा हुआ था दैट दे हैव गॉन टू डिफरेंट लेंथ्स टू क्रिएट दिस प्रोडक्ट, एंड आई फील मेरी एक्सट्रीम टेस्टिंग के बाद जो उनके क्लेम्स हैं वो काफ़ी सही हैं। आराम से इसको आउटडोर लेके घूम सकते हो, गाने सुन सकते हो, आवाज़ काफ़ी अच्छी है, इनडोर के लिए भी अच्छी है, आउटडोर के लिए भी अच्छी है, बेस काफ़ी अच्छी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर 999 रुपये में आपको इतना रगेड आउटडोर स्पीकर मिल रहा है तो बहुत सही है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, सी यू।